अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामईन, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। माह रमज़ान शरीफ में लोग कसरत के साथ अल्लाह का कलाम कुरान पाक की तिलावत करते हैं और बेशुमार कई खुशनसीब ऐसे भी होते हैं जो इन दिनों में 5-5, 6-6, 7-7, 3-3, 4-4, 2-2 और एक मरतबा भी कुरान मुकद्दस को मुकम्मल पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने के बाद वो कुरान पाक का बख्शने का तरीका यानी ईसाल सवाब करने का और कुरान पाक जितनी मरतबा पढ़ चुके उसके बाद किस तरह से दुआ की जाएगी इसके लिए परेशान रहती हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि कुरान पाक बख्शने का तरीका क्या है, यानी कुरान पाक अपने मरहूमीन तक पहुँचाने का तरीका क्या है। आइए आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें सीखेंगे। बहुत आसान है कुरान पाक बख्शने का तरीका, कुरान पाक अपने मरहूमीन तक पहुंचाने का तरीका। आपने कुरान मुकद्दस मुकम्मल किया, पहले उसके बारे में ये सुने कि वन्नास पर आकर हमें नहीं रुक जाना है सूरह नास, बल्कि जैसे ही हम वहाँ पढ़े तो बिल्कुल फिर शुरू में आ जाना है, अलहमद शरीफ भी पढ़ना है और अलिफ लाम से लेकर मुफलिहून तक पढ़ लेना है। इसलिए कि कुरान पाक ख़त्म होने वाली किताब का नाम नहीं है, इसलिए इब्तिदा कर दी जाए कि कभी अल्लाह तौफीक दे तो फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। एक बात ये सीखें और आइए अब उसके इसाले सवाब करने का तरीका। कोशिश ये करें कि आखिर की 10 सूरतें रहने दें। जिस दिन हमें फातिहा करना है, इसाले सवाब करना है, बख्शना है, उस दिन हम अदब और एहतराम के साथ बावजू इत्र लगा कर क़िबला की तरफ चेहरा करके अगर मयसर हो तो कोई शीरनी वगैरह हम सामने रख लें और फिर वो आखिर की 10 सूरतें अलम तरा से लेकर वन्नास तक और फिर अलहमद शरीफ और अलिफ लाम से लेकर मुफलिहून तक इतने की तिलावत की। तिलावत हो गई, तिलावत होने के बाद अब हम लोग ईसाले सवाब करेंगे। ऐ अल्लाह, पहले तो हमने हाथ उठा लिया, हाथ उठाने के बाद दुरूद मुबारक पढ़े, दुरूद मुबारक पढ़ने के बाद रब्बना पढ़ लें, रब्बना पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मैंने जो कुरान मुकद्दस पढ़ा या पढ़ी है रमज़ान शरीफ में उसमें जो गलती हुई अल्लाह तुझसे माफ़ फरमा। इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबियाए किराम, तमाम रसूलान निज़ाम, नबी की तमाम अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, तमाम सहाबा सहाबियात, ताबईन तबे ताबईन, इमादीन इमाए मुज्तहदीन, सुलहा फुका शहदाय आलम इस्लाम, उलमाए किराम, पीरान निज़ाम, मुफ्तिया निज़ाम, औलियाए कामलीन, कुल मुमिनीन और मुमिनात, कुल मुस्लिमीन और मुस्लिमात की अरवाह की नज़र करते हैं मौला कबूल फरमा। ये एक तरीका हुआ। अब उसके बाद अपने घर के मरहूमिन, बाप दादा नानी नाना माँ बहन भाई रिश्तेदार बेटा बेटी जो भी हो उनका नाम लेकर गए, अल्लाह उनकी बारगाह में पेश करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, करवट कर उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमा, उनकी कब्र पर अनवार तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमा, पूरा कुरान मुकद्दस पढ़ने का सवाब उनकी बारगाह पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। और फिर उसके बाद रिस्क की बरकत के लिए, उम्र की बरकत के लिए, आल औलाद के लिए, घर की बरकत के लिए और ईमान के खात्मा बिल खैर के लिए, अपने माँ बाप की जिंदगी के लिए और जो जो हो उसके बाद वो सारी दुआएं करें और दुआएं करने के बाद इस तरीके से इसको बख्शा जा सकता है, इसाले सवाब किया जा सकता है। फिर उसके बाद अल्लाहुम्म रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और फिर उसके बाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन कर ले। इस तरीके से ये बहुत आसान तरीका आप हज़रात को समझा दिया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर वॉइस मैसेज भेजकर या टेक्स्ट में मैसेज भेजकर आप वहां से सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस क्लिप को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को ये तरीका मालूम हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी देते रहा करें कि किस पर वीडियो बनाना चाहिए, किस पर नहीं, वीडियो कैसी लगी, आप हमें इससे भी आगाह करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।